माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ हुड़ा पार्टी कराने एक ऐसी जगह जो पुणे से सिर्फ 42 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसका नाम है महर रिट्रीट। यहाँ पर हुड़ा पार्टी के अलावा और भी कई सारे एक्टिविटीज होती है, जिसकी मैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ विद इसका कॉस्ट। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। महर रिट्रीट ये पुणे से 42 किलोमीटर पर खुदबा में लोकेटेड है, नियर यावत ऑन पुणे सोलापुर हाईवे। तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर अपने ओन व्हीकल से जा सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दो ऑप्शन है, एक तो गवर्नमेंट बस एंड दूसरा ट्रेन। तो जो लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं वो यावत बस डिपो तक जाना एंड उसके आगे आप ऑटो लेकर जा सकते हो। एंड दोज हु प्रीफर ट्रेन वो यावत या फिर खुदबा रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, फिर उसके आगे ऑटो। मैं यहाँ गई थी बाय माई ओन प्राइवेट व्हीकल। After a small ride, मैं finally पहुंच गई महर रिट्रीट। ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ एंट्री करके चलेंगे हम अंदर। तो गाइस ये है महर रिट्रीट का बड़ा सा पार्किंग, जहाँ प्राइवेट कार्स तो है ही बट उसी के साथ बसेस एंड ट्रैवलर्स से भी लोग आए हैं। इतना फेमस है ये प्लेस। यहाँ पर पार्किंग के पास ही बुकिंग काउंटर है, जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ आके बुकिंग कर सकते हो। बट अपने साथ कैश कैरी करना, यहाँ सिर्फ कैश या फिर QR कोड से ही पेमेंट होता है। एंड ये जो दूसरा काउंटर है वो ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए। आफ्टर बुकिंग आपको ऐसे बैंड्स दिए जाएंगे। ये जो बैंड्स है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, जिसका यूज हुड़ा पार्टी के टाइम स्लॉट के लिए किया जाता है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब चलते हैं पहले अंदर। तो गाइज ये है महर रिट्रीट। यहाँ एंटर करते ही आजू बाजू में इतने सारे ट्रीज देख के बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। सबसे फर्स्ट यहाँ एंट्रेंस के यहाँ मैप्स लगाया है, उसका फोटो लेंगे ताकि हम सब कुछ एक्सप्लोर कर पाए। अब एज यहाँ लोग वनडे पिकनिक के लिए आते हैं, जिसका टाइमिंग है 9:30 AM टू 6:30 PM। तो चेक इन करते ही सबसे फर्स्ट जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ आपको डाइनिंग हॉल आना है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बूफे सिस्टम से सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट में यू विल गेट मिसल ब्रेड, पोहा, शीरा एंड टी कॉफी, जिसमें से मैंने लिया मेरी फेवरेट मिसल एंड टी। तो यहाँ ये यम्मी सा ब्रेकफास्ट करके मैं गई एक एक एक्टिविटीज करने। सबसे फर्स्ट मैं गई ट्रैक्टर राइड करने, जहाँ इस ट्रैक्टर से आपको मातोबा लेक दिखाने लेके जाते हैं, वेयर यू विल गेट टू सी सम बर्ड्स एज वेल। एक बहुत ही फन राइड है, जहाँ बच्चों से लेकर बड़े हर कोई एंजॉय कर सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बुलक कार्ट राइड, जिसमें आपको इनका फार्म विजिट करने मिलता है। तो आफ्टर बुलक कार्ट राइड नेक्स्ट इज बोटिंग, जो की एक स्मॉल आर्टिफिशियल लेक में होती है और ये पैकेज में इंक्लूडेड है। After all this, next activity is pedal go-kart, जो कि एक paid activity है, जिसका cost है 100 rupees per person for 20 minutes. So after all these activities, 12 बज चुके थे। अब जैसे कि मैंने आपको starting में बताया, यहाँ band के colors के हिसाब से हुड़ा पार्टी के time slots दिए गए। तो मेरा orange band का time slot था 12 to 1 PM। तो मैं गई हुड़ा पार्टी करने। ये main entrance किया होता है, जहाँ coconut trees के नीचे बैठ के इस हुड़ा पार्टी का मजा लेने मिलता है। अब सच बताओ तो मैं महर रिट्रीट हुड़ा पार्टी का मजा लेने आई थी, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी हुड़ा टेस्ट करने के लिए। हुड़ा इज नथिंग बट द अर्ली स्टेज क्रॉप टेंडर जोर, जिसे रोस्ट करके कोकोनट गार्लिक एंड ड्राई रेड चिली चटनी के साथ सर्व किया जाता है। एंड ऑल्सो यू कैन ईट दिस हुड़ा विद जागरी एज वेल। यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे मल्टीपल आइटम्स हमें दिए गए हैं। मैंने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम हुड़ा टेस्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। After this amazing experience of Hooda Party, you can play some games here like cricket, volleyball, basketball, cycling and etc. या फिर आप जा सकते हो रेन डांस और स्विमिंग पूल में थोड़ी देर चिल करने। या स्विमिंग पूल में स्मॉल किड्स एंड बड़ों के लिए सेपरेट किया गया है और इसमें प्रॉपर क्लोरीन वाटर है। ऑल्सो यहाँ इस पूल के साइड में चेंजिंग रूम्स एंड वॉशरूम भी अवेलेबल है। आफ्टर पूल यहाँ एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी बनाया गया है, जहाँ आप अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन दिस पूल, यू कैन गो फॉर लंच। लंच 1:30 to 3:30 तक होता है, जिसमें सिर्फ वेज का ही ऑप्शन है। लंच यहाँ बुफे सिस्टम से सर्व किया जाता है और लंच में यू विल गेट ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी है। और ये सभी जो फूड है वो होम ग्रोन वेजिटेबल्स से बनाया गया है। तो मस्त यहाँ पर पेट पूजा करने के बाद आप यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। यहाँ ट्रीज के नीचे बेंचेस, हॉट एंड स्विंग वगैरह बनाया गया है। और एल्स आप यहाँ पर कुछ और स्पॉट्स से वो एक्सप्लोर करने जा सकते हो, जिसमें से फर्स्ट इज दिस ऑब्जर्वेशन टॉवर।
जहाँ से यू कैन वॉच होल महर रिट्रीट एंड ऑल्सो द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ मातोबा लेक। आफ्टर दैट आप जा सकते हो पेट जू, कैटल शेड एंड पॉली हाउस देखने, और वहीं से थोड़ा आगे है रूरल हाउस। तो चलेंगे रूरल हाउस एक्सप्लोर करने। रूरल एरियाज में कैसे टाइप ऑफ घर होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें हुआ करते थे, ये सारी चीजें यहाँ पर इस रूरल हाउस में बताए गए हैं। तो इतना सब कुछ एक्सप्लोर करके मैं तो थक गई थी, इसलिए मैं आई यहाँ शुगर किंग जूस सेंटर के पास, जहाँ आपको अनलिमिटेड शुगर किंग जूस पीने मिलेगा जो कि आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। तो यहाँ मस्त मन भर के शुगर किंग जूस पीने के बाद मैं गई नारियल पानी पीने टेंडर कोकोनट सेंटर में। अब ये जो नारियल पानी है वो चार्जेबल है, जिसका 40 रुपीज पर कोकोनट चार्जेस है, जो कि टोटली वर्थ है, क्योंकि ये कोकोनट जो है वो इन्हीं के फार्म्स के, तो बहुत ही फ्रेश रहते हैं ये। अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज पेड भी है और कुछ फ्री भी है जो आप आफ्टर लंच कर सकते हो। पेड एक्टिविटीज में पॉटरी है, मेहंदी आर्टिस्ट है, देन नेम ऑन राइस है, जिसमें से मैंने पॉटरी किया। यहाँ एक पॉट बनाने का सिर्फ 50 रुपीज चार्ज है, जिसमें आपको पॉट बनाने भी मिलता है और उसे आप घर भी लेके जा सकते हो। आफ्टर दैट अराउंड 3:30 तक यहाँ मैजिक शो भी होता है। इवनिंग में देयर इज अ कैरियोके शो एंड हाई टी एंड स्नैक्स टाइम, तो वो खा के यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। बट बिफोर चेक आउट डू विजिट द फार्म स्टोर, जहां आपको ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगे व्हिच यू कैन बाय एंड आल्सो विजिट नर्सरी। मैंने भी यहां से थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसी के साथ यहां बाहर फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी सेल करते हैं, तो उनसे भी मैंने थोड़े फ्रूट्स लिए और बहुत ही अमेजिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस के बाद मैंने यहां से चेक आउट किया। सो गाइस ये था मैं रिट्रीट। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ के वॉशरूम्स वगैरह काफी क्लीन थे, हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज या फिर फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए ऐसे स्पॉट्स बनाए गए थे। एंड सबसे मेन चीज, इतना क्राउडेड होते हुए भी कहीं पर भी वेटिंग लाइन वगैरह नहीं था। तो ओवरऑल मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग एंड वर्थ था। अब वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, मुझे पता है आपको इसके कॉस्ट के बारे में जानना है। तो इसका कॉस्ट है 750 रुपीज पर पर्सन प्लस GST, विच इज 885 रुपीज पर पर्सन, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर आके भी कर सकते हो। मैं बुकिंग लिंक एंड डायरेक्शन लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड अगर आप मैं रिट्रीट पहले जा चुके हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। एंड नहीं गए हो तो एक बार जरूर विजिट करना। एंड उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।